कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। दरअसल कल केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान बिना नाम लिए हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वीडियो देखिए। लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि हम जब से एक्शन ले रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, और इसको लेकर जो कुछ रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं और राजनीतिकार हैं, वो सबको एकजुट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है, क्योंकि हाल की राजनीति को आप देखिएगा तो नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और अब महागठबंधन के साथ हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार की धरती से ही एक नए रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नीतीश कुमार से मिलने के लिए पटना आए थे और दोनों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केसीआर ने कहा कि हमें भाजपा मुक्त देश बनाना है, इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी इसी बात को दोहरा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे भी हरा कर रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि बिहार महागठबंधन का जो स्वरूप है वो देश में कैसे लागू हो, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। लालू यादव, नीतीश कुमार, केसीआर और तमाम जितने भी दल हैं वो अब एक साथ आ रहे हैं और 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं ये जो बयान है यह दर्शाता है कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।